वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त से दो स्टाइल में चूल्हे पे भी और अवन में भी चिकन ब्रेड बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो चलिए सबसे पहले हम झटपट आटा गूंथते हैं। मैं मशीन में गूंद रही हूँ, लेकिन मशीन में गूंदना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जैसे रोटियों का आटा गूंदते हैं एग्जैक्टली वैसा ही गूंदना है, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अनयूजुअल हो। तो देखिए हमारे पास यहाँ 4 कप मैदा है, जो मेजरिंग कप होता है ना उससे मेजर किया हुआ। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई कौन सा कप, तो आप मेरी तली हुई प्याज की वीडियो देख लें, उसमें पूरा डिटेल में बताया कि कौन सा कप है। तो वो कप से ही मैं हमेशा मेजर करती हूँ, तो वो 4 कप है। तो वो अब हम अपने मशीन में डाल देते हैं। अब जैसे आप जिस बर्तन में गूंद रहे हैं वहीं रहने दें, ठीक है। चले अब इसमें हम सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट डाल देते हैं। तो ड्राई इंग्रेडिएंट में है 1 टेबलस्पून शक्कर, 2 टेबलस्पून दूध का पाउडर, कोई भी मिल्क पाउडर, 1 टीस्पून नमक। तो इसको अब मिला लेते हैं और अब डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून ईस्ट। मेरा एक्टिव है जो बहुत जल्दी राइज हो जाता है, तो वो 1 टेबलस्पून लेंगे। तो ये देखें ये 1 टेबलस्पून है, ये चला गया। ईस्ट जो है उसकी डेट पढ़ लीजिएगा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक्सपायर्ड ना हो, वरना तो राइज ही नहीं होगा हमारा डो। तो चले इसको एक मरतबा थोड़ा सा हिला लेते हैं और इसमें डालेंगे अब 4 टेबलस्पून तेल, यानी 1/4 कप, और 1 अंडा। चलो मशीन को स्टार्ट करते हैं। सेम इसी तरह आप हाथ से करें और अब इसमें हम डालते हैं पानी। अब मैं आपको बताती हूँ कि पानी कितना गया है। ये नीम गर्म है। जहाँ थोड़ा ड्राई दिखेगा, जैसे हाथों से करते हैं इसी तरह मशीन में भी करेंगे। समझो ये मेरी उंगली नहीं है, मशीन की उंगली है, मुझे हेल्प कर रहा है। तो हमने पानी यूज़ किया है 1 कप और 3 टेबलस्पून। अब आपके आटे पे डिपेंड है, हो सकता है 1 कप और 4 टेबलस्पून भी जाए, 1 कप 3 टेबलस्पून मेरा गया है, डिपेंड्स है। लेकिन बहुत नरम की साइड पर नहीं करेंगे, तो इतना अंदाजन मैंने बता दिया है। चलें अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा तेल, 1/8 टीस्पून, जैसे नहीं हम लगाते हैं एंड में, इसी तरह इस पर भी लगा देंगे। थोड़ा सा आटे को निकाल लेते हैं। देखिए आटा जो है बिल्कुल नॉर्मल, जैसे रोटी वाला होता है एग्जैक्टली वही है। देखिए कितना अच्छा से गुन गया है। ये देखें शानदार सा हो गया है। देखिए बिल्कुल स्टिकी भी नहीं है, कितना अच्छा सा गुन गया है। देखें हाथ लगाते हैं और ये बाउंस बैक हो रहा है। तो बस आपको भी इस पोजीशन पर लाके रखना है। फिर थोड़ा सा हम तेल डालेंगे और ये आटा हमारा ड्राई रहे ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा इसको तेल लगा कर और फिर कवर करके रख देंगे। और अगर आप चाहें तो गर्मी है तो बाहर भी रख सकते हैं, और अगर गर्मी नहीं है तब आप किसी भी ऐसी जगह पर रख दें जो बंद हो थोड़ी सी, कोई चीज़ इस्तेमाल में नहीं आने वाली हो, कैबिनेट हो, कोई भी ड्रॉर वगैरह में। तो चले मैं अपना ये अवन में रख देती हूँ जो कि चल नहीं रहा है, बंद है। तो चले मिलते हैं राइज होने पर। डिपेंड्स गर्मी कैसी है, कभी कभी तो 45 मिनट्स में फूल जाता है एकदम, और अगर सर्दियां हैं तो फिर 1-2 घंटे भी लग सकते हैं। तो चले मिलते हैं जब ये फूले उस वक्त। देखिए हमारे डो को राइज होते हुए 1 घंटा हो गया, हम देखते हैं कि क्या लग रहा है। उससे पहले हम स्टफिंग तैयार करते हैं। तो चले चूल्हे को हम ऑन करते हैं। यहाँ हमारे पास एक पैन है।
अब आप इसको बटर में भी बना सकते हैं, ऑयल में भी बना सकते हैं, आपकी चॉइस है, आपको जो बनाना हो। मैं ऑयल में बना रही हूँ। तो चले इसमें अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल और यहाँ हमारे पास 1/2 कप ऑमलेट कट प्याज है तो उसको डाल देते हैं। प्याजों को थोड़ा सा सॉटे करेंगे। चले 1 मिनट हो गई है तो अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। थर्टी सेकेंड लहसुन के पेस्ट और प्याज के साथ भी इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अच्छा देखें हमारे पास यहाँ सब्जियाँ हैं, आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो भी ले सकते हैं, आपका जो दिल चाहे। तो ये देखें मेरे पास रेड बेल पेपर है, आपके पास ना हो तो आप ग्रीन भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च, और यहाँ हमारे पास 1/2 कप प्याज है, हरी वाली प्याज, और ये 1/4 कप भुट्टा है। हाँ हमारा फ्रोजन होता है, बॉइल्ड होता है, अगर आप चाहें तो बॉइल्ड करके रखें, ना डालना चाहे तो ना डालें, मटर डालना चाहे तो मटर भी डाल सकते हैं। तो ये सब हम डाल देंगे इसमें। चले साथ ही हम इसमें डाल देंगे, हमारे पास यहाँ देखें बॉइल्ड की भी चिकन है। ये चिकन हमारी है 1 पाउंड यानी 1/2 किलो के आसपास, उबली हुई है, छोटे छोटे पीसेस हैं, गल के थोड़ी बहुत श्रेड हो गई है या थोड़ी ऐसे ही रहने दी हमने, तो वो बारीक बारीक नहीं करेंगे और ये डाल देंगे इसमें। और बॉईल करते वक्त सिर्फ 1 टीस्पून चिकन पाउडर डाला था, यानी कि नो या मैगी की 1 क्यूब या 1/2 क्यूब डालते हैं, नमक डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो सॉल्टी होता है। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून ऑलिव्स यानी जैतून, अगर है आपके पास तो डाल दें या दिल चाह रहा है तो डाल दें। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं जो कि कुछ यूँ हैं कि 2 टीस्पून चिकन पाउडर यानी नोर या मैगी की 1 क्यूब डाल दें या 1.5 क्यूब डाल दें, 1 टीस्पून ओरिगेनो, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून वाइट पेपर यानी सफ़ेद मिर्चें, ना हो तो काली मिर्चें डाल दें। चले अब इनको हम सबको मिला लेंगे। चले अब इस पॉइंट पर हम डाल देंगे यहाँ मैदा, ये चला गया 3 टेबलस्पून मैदा, बस इसको हम भूनेंगे 30-40 सेकेंड। चले अब हम इसमें डाल देंगे दूध, तो ये था 1.5 कप दूध चला गया। चलें देखिए ये थिक हो गया, अब इस पॉइंट पर हम 1/2 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। देखिए ये अच्छा खासा थिक हो गया और ठंडा होने के बाद और भी हो जाएगा, तो इस पॉइंट पर जब ये यूं इस तरह से है, इतना ढीला है, जब हम चूल्हे को बंद करते हैं और इसको निकाल लेते हैं, ठंडा होने के लिए रख देते हैं, प्लेट में निकाल लेते हैं। चले हमारी सारी स्टफिंग निकल गई और स्टफिंग ठंडी हो जब मिलते हैं। आई एम बैक। देखे हमारा ये स्टफिंग भी ठंडी हो गई है और यहाँ हमने पतीला रखा हुआ है, बर्बाद किस्म का एज यूजुअल, क्योंकि जाहिर है चूल्हे पर रखना है जला जला के उसको, तो ये मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है और इसके अंदर पुराना मेरा नमक है जो मैं यूज़ करती रहती हूँ। तो आपके पास अगर नया है तो 1 तकरीबन 2 कप जो है वो डाल दें और फिर उसको ठंडा हो जाए तो भर के रख लें, अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। किसी भी किस्म का जाली स्टैंड रखेंगे, जाली स्टैंड नहीं है तो किसी किस्म का कोई स्टील का बर्तन भी रख सकते हैं, कोई प्लेट भी रख सकते हैं, बहरहाल ताकि डायरेक्ट टच ना हो। और नमक डालने की वजह यह है कि नमक जब इतना गर्म हो जाएगा ना और पतीला भी गर्म होगा तो वो ओवन के जैसा काम करेगा। ये देखें गोल गपूटा हो गया हमारा आटा, गोल गपूटा, हमने ईस्ट इसको खिलाया ना तो मोटा मोटा हो गया। देखिए कैसा ज़बरदस्त सा हो गया और कितना खुश खुश है। चले तो अब इसको हटाते हैं हम।
अब हमें बॉल काटने से पहले कि हमें कितनी बड़ी रोटी बेलनी है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किस पैन में बना रहे हैं, ये पतीले में जा रही है कि नहीं जा रही। अब ये जा रही है, डिसाइड कर लिया है, तो अब हमें अपनी रोटी की साइज इससे छोटी रखनी है, इससे बड़ी नहीं रखनी है, क्योंकि अंदर आ सके। तो चले अब उस हिसाब से हम आटे का पेड़ा काटेंगे और रोटी बेलेंगे। तो ये इतना बॉल मैंने ले लिया है और इसको बाकी को हम ढक देते हैं। तो चले अब इसे हमें लंबाई में बेलना है। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा ड्राई फ्लावर यूज़ कर सकते हैं अगर ज़रूरत है तो, और अगर ज़रूरत नहीं है तो ना करना चाहें तो ना करें, लेकिन कोई मसला नहीं है, अगर ज़रूरत है तो थोड़ा सा कर सकते हैं। चले एक अच्छा सा हमने ओवल कर दिया है, आप इसमें स्टफिंग डालेंगे। सेंटर में रखेंगे स्टफिंग को। स्टफिंग बिल्कुल ठंडी होना ज़रूरी है, बस ना कम भरेंगे ना ज़्यादा भरेंगे, बिल्कुल मुनासिब भरेंगे और ये बिल्कुल मुनासिब है। अब आपको छुरी से या फिर पिज़्ज़ा कटर से किसी चीज़ से भी, जैसे पिज़्ज़ा कटर से भी यूँ काट सकते हैं, छुरी से भी काट सकते हैं, तो इस तरह की हमें स्लिट्स करनी है। है ना कितना इजी। बस अब क्या है, अब उससे भी ज़्यादा इजी पार्ट है, अब हमें वाइस वर्सा एक दूसरे के ऊपर डालना है। बस अब ये आखिरी यहाँ डालेंगे और इसको यूं बंद कर देंगे। ये देखें बिना मेहनत के बड़ा ज़बरदस्त सा हो जाता है। चले तो अब ये जो है अंडा फेंटेंगे हम। एक टीस्पून के आसपास पानी डाल देंगे। चले ये अच्छे से फेंट गया और अब हम इस पर डालने से पहले ये तिल भी डालेंगे, और अगर किसी को अंडा नहीं पसंद है तो इस पर आप दूध वाला हाथ भी डाल सकते हैं, दूध का ब्रश कर सकते हैं, जैसे मैं अंडे का करूँगी ना आप दूध का कर सकते हैं। तो चलें इसको उठाते हैं। और अब इस पर करेंगे ब्रश। इससे क्या होगा, अच्छी सी शाइन आएगी, ब्यूटीफुल सा बेक होगा। और अब इसके ऊपर हम सेसमी सीड छिड़क देंगे, थोड़े से छिड़क देंगे, इससे क्या है कि प्रोफेशनल लुक लगेगा एकदम अच्छा। आप देखें हमारा चूल्हा प्री हीट हो रहा था मीडियम हाई पे, तो अब इसको हम रखते हैं, तो बस ये सेंटर में रख देंगे और इसको कवर कर देंगे। अच्छा 5 मिनट तक इसे हम मीडियम हाई पे ही रखेंगे और उसके बाद हम इसको मीडियम लो टू मीडियम के दरमियान रख देंगे 25 से 30 मिनट तक के लिए। तो चले अब झटपट अवन वाला बनाते हैं। चले इसको हाफ कर लेते हैं। चले तो हम दो बना लेते हैं बॉल, पहले पेड़ा अच्छा से बना लेंगे और अब बेल लेंगे। थोड़ा सा आटा लगा लेंगे और उल्टा कर लेंगे, क्योंकि जब बेलते हैं ना तो नीचे वाला पार्ट जो है वो अच्छा खासा चिपक गया होता है, तो एक दफ़ा यूँ कर देंगे तो उठने में बड़ा सही रहेगा। चलिए ये अच्छा सा हो गया। अब हम अपना चूल्हा भी स्लो कर देते हैं, मीडियम टू मीडियम लो के दरमियान रखें, 5 मिनट हो गई है,
और इसको इसकी फिलिंग डालते हैं। चलिए ये भी हो गया। अब सेम इसी तरह कट लगाएंगे। चले अब इसको अगर आप चाहें तो वैक्स पेपर रखें, ना चाहें तो ना रखें। सिर्फ ये कि वैक्स पेपर रखने से क्या होता है, ज़रा क्लीनिंग आसान हो जाती है, बाकी तो कोई मसला नहीं है। तो चलें इसको रखते हैं। सेम इसी तरह अंडा लगाएंगे। चले इस पे भी तिल छिड़क देते हैं। चले ये दूसरी भी हमारी हो गई सरप्राइज। अब झटपट जा रहे हैं, अवन बुला रहा है कि कब रखोगे कब रखोगे, तो अब रख के आते हैं। देखिए हमने अवन को 375 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रख दिया है, जो कि होता है अराउंड 190 टू 200 सेल्सियस। तो अब हम इसको रखते हैं अंदर। बस तो 15 टू 20 मिनट्स पकाएंगे अवन वाली को, और इसके वो 10-12 मिनट तो हो गए हैं, तो चले मिलते हैं फिर। देखिए 20-22 मिनट्स के आसपास हो गई है। अब चलते हैं अवन की तरफ और देखते हैं कि खुशबू तो बहुत आ रही है, ब्रेड लग कैसी रही है। देखे ज़बरदस्त। चले ऑफ करते हैं। चले अब इस पर गर्मा गर्म पर बटर लगाते हैं। इससे क्या होगा, ब्रेड में एक तरह की सॉफ्टनेस भी आएगी और शाइन भी आ जाएगी। अब आप लोग के अवन पे डिपेंड है, बस आपको जब ऊपर से गोल्डन ब्राउन कलर दिखे तब आप निकाल लें। हो सकता है थोड़ा कम टाइम लगे, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे। चले ये तो अच्छे से हो गया, और अब पतीले वाले को हो गए हैं 35 मिनट्स। चेक करते हैं कि क्या हाल है। हाँ पतीला वाला भी बड़ा खुश खुश है। चले इसको भी निकालते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि इसका कलर और इसके कलर में फ़र्क है, लेकिन जो पतीले वाला होता है उसका कलर इससे ज़्यादा नहीं आता है। तो ये बेस्ट है, लेकिन टेस्ट वही होगा। तो चले ज़रा सा ठंडा होता है तो फिर काटते हैं, मिलते हैं 5-7 मिनट में। चले देखें रूम टेम्परेचर टाइप की हो गई है, थोड़ी सी गर्म कम हो गई है और खुशबुएँ ख़तरनाक आ रही है। तो चले अब इसको डिश आउट भी करते हैं और काट के देखते हैं कि लग कैसी रही है। इसको तो रख देते हैं इसी तरह से, और ये बेबी है, बेबी को भी ऐसे ही रख देते हैं। मम्मा को रखते हैं, बेबी को रखते हैं और डैडी को काट देते हैं। फिर डैडी जो है ना वो कुर्बानी देंगे आप लोगों को दिखाने के लिए कि भाई वो कैसे लग रहे हैं। ये देखिए डैडी बता रहे हैं कितने अच्छे लग रहे हैं, ये देखें कितने ज़बरदस्त से। चले बेबी तो मैं आपको बताना भूल गई कि बेबी कैसा लग रहा है नीचे से। ये देखिए बेबी इस तरह से लग रहा है, कितना क्यूट है बेबी भी। चले तो देखा कैसे ख़तरनाक खुशबूदार मज़ेदार चिकन ब्रेड बन गई, और इसमें देखिए वेज भी है, थोड़ा हेल्दी भी हो गया। और छोटे बनाए बड़े बनाए, चूल्हे पर बनाए अवन पर बनाए, जैसे भी बनाना हो बनाए। और देखा आटा भी इतना ईजी है, फ्लेक्सीबल है, कोई इसमें मेहनत वगैरह नहीं करनी है। तो बेसिकली तो बहुत इजी चीज़ है, और ये फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसको इसी तरह उठा के आप फ्रीज़ कर दें थोड़ा सा गर्म करके, और खा लें माइक्रोवेव में या ओवन में या रूम टेम्परेचर कहीं ले जाएं और खा लें। तो ये बहुत एक मज़ेदार चीज़ है। तो चले अब मैं ये बेबी को नहीं ट्राई किया ना, काटा नहीं है, तो मैं आप लोग को बताती हूँ कि ये बेबी कैसा लग रहा है। चलो आप जाएं जगह पे और ये देखें बेबी, और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि कैसा है।
इतना खतरनाक है फ्लेवर भी, टेक्सचर भी, और जो अंदर बहुत ज़्यादा हमने रेशन ही की है ना, थोड़ी थोड़ी बोटियाँ हैं, थोड़े थोड़े वेज आ रहा है, खुशबूदार मज़ेदार। देखें कितना अच्छा लग रहा है। और ये जब आप फ्रिज में रखेंगे ना, फ्रीज़र में रखेंगे तो सूख भी नहीं जाएंगे। अंदर की फिलिंग जब बहुत टाइट कर देते हैं ना, ड्राई की तरफ चला जाता है। तो अब आप लोग बनाएं, देखें मैंने बड़ा सिंपल सा और इजी सा बताया है आप लोगों को, और चूल्हे का भी बताया है, तो मज़े करें, धमाल मचा दें। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। चलो फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।